नमस्कार, स्वागत है आपका टुडेज की इस और प्रस्तुति में, जहां मैं इस सेगमेंट में लेकर के आया हूं प्रियंका जावलकर के बारे में। प्रियंका जावलकर इस समय जो है बहुत ज्यादा बिजी हैं। उनका एक फिल्म रिलीज होने वाला है, अब 2-3 दिन के अंदर फिल्म रिलीज होगी उनकी। फिल्म का नाम है टैक्सी वाला, ये एक सुपरनेचुरल थ्रिलर है। इसके बारे में मैं तो काफी बात कर चुका हूं क्योंकि विजय देवरकोंडा इस फिल्म में है और विजय देवरकोंडा जो है हमारे काफी फेवरेट और अपकमिंग एक्टर है। वैसे प्रियंका ने बताया अभी कि उनका जो ड्रीम प्रोजेक्ट है वो क्या है। प्रियंका ने कहा कि उनके जीवन का एक बहुत बड़ा एम है कि वो स्क्रीन स्पेस शेयर करें पावर स्टार पवन कल्याण के साथ। उन्होंने कहा, पवन कल्याण मेरे फेवरेट एक्टर हैं, मुझे बहुत अच्छा लगेगा, मैं थ्रिल्ड फील करूंगी अगर मुझे ऐसा मौका मिले कि मैं उनके साथ काम करूं। बोली, मेरे लिए तो ऐसा होगा जैसे कि एक सपना सच हो जाए। वैसे हम ये सब जानते हैं कि पवन कल्याण जो कि जनसेना पॉलिटिकल पार्टी के प्रेसिडेंट हैं, उन्होंने फिल्म इंडस्ट्री को अभी के लिए तो गुड बाय कह दिया है और अभी पूरी तरह से वो अपने पॉलिटिकल करियर पे फोकस कर रहे हैं। हाल फिलहाल में पवन कल्याण ने यह भी कहा है साफ तौर पे कि वो फिल्म इंडस्ट्री के बाहर हैं और सिर्फ जनता की सेवा करना चाहते हैं। उनके अंदर के ये जो भावना है ये बहुत प्रबल है। प्रियंका जावलकर ऐसा लगता है कि प्लान कर रही है कि पवन कल्याण वापस आ जाए फिल्म इंडस्ट्री के अंदर। वैसे ये हम पवन कल्याण फैंस के लिए बड़ी अच्छी चीज होगी। वो उसको ऐसा लग रहा है कि ये एक्ट्रेस जो है ला करके ही रहेंगी। वैसे उन्होंने ये भी बताया कि टैक्सी वाला की शूटिंग के दौरान वो अक्सर वोदगा पिया करती थी। इसका कारण उन्होंने ये बताया कि एक जो है एक सीन था जहां टैक्सी वाला में जो है उनको ड्रंकेट की एक्टिंग करनी थी। अब ड्रंकेट की एक्टिंग करने के लिए शरीर पर थोड़ा सा मूवमेंट का क्या चेंज होता है ये देखने के लिए उनका जो असिस्टेंट था उनको वोदगा मिक्स करके देता था फ्रूट जूस में हर रात को, और वो वोदगा पी करके अपना जो है हाव भाव कैसा बदलता है वो स्टडी करती थी, उसके हिसाब से उन्होंने एक्टिंग की। वैसे उन्होंने स्टाइलिश स्टार अल्लू अर्जुन के बारे में भी कहा कि ये जो है उनका एक बहुत बड़ा क्रश है, और जो है उन्होंने कहा कि जब पहली बार उन्होंने 2-3 साल पहले देखा था वो उस समय का, उन्होंने वो बताया कि वो एक फर्स्ट लुक देने के लिए गई थी और वहां कैसे आकर के जो है अल्लू अर्जुन ने उनको प्रोत्साहित किया था। वैसे देवरकोंडा के साथ इस फिल्म में पेयर होने के बाद मेरे ख्याल से उनका एक तो बहुत बड़ा ये एम पूरा हो गया होगा कि वो एक टॉप नॉच एक्टर के साथ फिर काम कर रहे हैं। देवरकोंडा इस समय ऐसे हैं कि हर व्यक्ति उसके साथ काम करना चाह रहा है। राहुल संकृतायन की जो है डायरेक्टेड फिल्म है ये, जो आ रही है 17 तारीख को टैक्सी वाला। मैं आशा करता हूं कि ये फिल्म बहुत अच्छी चलेगी। वैसे पवन कल्याण के बारे में मैं ये बताऊं कि पवन कल्याण ने अभी 2 दिन पहले कहा कि वो उन्होंने जब इंडस्ट्री छोड़ी है तो उनका करीब करीब जो है 100 करोड़ का हर साल का नुकसान है। इतना पैसा वो कमा लेते ऑलमोस्ट इस समय जिस पीक पे चल रहे थे वो। और उन्होंने कहा कि अगर मैं 100 करोड़ रुपए जो है छोड़ रहा हूं तो आप ये कभी ना सोचे कि मैं ये काम हल्के में कर रहा हूं या मुझे इसमें कोई अलग तरह का फायदा मिल रहा है। इतना पैसा मुझे पॉलिटिक्स कभी नहीं देगी, मैं यहां सिर्फ और सिर्फ जनता की सेवा के लिए आया हूं। पैसा अगर मुझे चाहिए तो पैसा कमाने के लिए इंडस्ट्री काफी है, मैं यहां पैसा कमाने नहीं आया हूं। तो उनकी इस प्रबल जो इच्छा है अंदर की जनता की सेवा करने की, भगवान करे कि उन्हें इसमें और सफलता मिले। और मैं ये भी चाहता हूं एक तरह से कि वो किसी तरह से समय निकाल करके साल में एक आध पिक्चर कर लिया करें, 2 साल में एक पिक्चर कर लिया करें, जिससे कि हम जो है उनके फैंस उनको भी थोड़ी शांति दिल को ठंडक मिलती रहे। मैं हूं अनुपम सिन्हा और आप देख रहे हैं टुडेज। धन्यवाद।